फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है और कुछ रोमांचक होने वाला है। आज प्रिया ने दे मुझे एक खास चैलेंज, तो उस चैलेंज के बारे में प्रिया मुझे बताएगी। प्रिया ने मुझे बताएगी, ये आपको बताएगी, मुझे तो बता चुकी है, मेरे तो हो चुका है बवाल। अभी आपको बताने वाली आज का ब्लॉग क्यों खास है, आज मेरे लिए क्या चैलेंज है, प्रिया बताएगी। आज का चैलेंज है जो रावण के पुतले मतलब यार 100 रावण हो तो पागल हो गया। आज का चैलेंज ये है कि मैं खुद दिखाऊंगा 100 पुतले रावण के। तो आज से मेरे पीछे ही आप लोग देख सकते हैं, 3 पुतले तो अभी देख ही नहीं लगे हुए हैं। तो आज से चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है, तब मैं आपको दिखाऊंगा 100 पुतले। तो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे सामने देख सकते हैं रावण के पैर लगाए जा रहे हैं। पहले ये था लंगड़ा रावण, अब पैर वाला रावण हो गया। अब एक पैर वाला रावण है, एक पैर साइड में खड़ा हुआ है। 3 पुतले आपके सामने कैसे लग रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। काफी सुंदर पुतले बने हैं, बट जब से मैं 211 फुट का रावण देखा तो ये मुझे लग रहे हैं चूजे रावण, चूजे रावण, तो चूजे ही लग रहे हैं। बट हाँ, बनाए सुंदर है। और अब आगे आपको और रावण दिखाते हैं। मिला में कोई भी है, पूरी रात में खाली पड़ी हुई है। धूप बहुत कैरी पड़ रही है, धूप भी हो रही है, बट ये चैलेंज जॉय को कैसे ना कैसे जीतना पड़ेगा। तो क्या हमें रावण के 3 पुतले दिख गए? सॉरी, रावण नहीं, रावण और उसके भाई दिख गए हैं, और वो है ये रहे। भाई आप मेरे मुझे इतनी तेज धूप है, कैसे करूँगा? 100 रावण का दिखाऊंगा इसको, मैं दिखा देंगे 100 रावण दिखा देंगे। ये जबरदस्ती हाँ भरवाते हुए, तो इसको झूला झूलना है। ये आपको पीछे 3 पुतले अपने आपको दिखाए, काफी अच्छे लग रहे हैं, बड़े भी हैं काफी और मोटे तगड़े भी हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। चलो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे रावण, चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन। भाई 3 रावण और हमें मिल गया, और 3 रावण जो है वो मेरे बिल्कुल पीछे है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो भाई 3 रावण और। तो 3 रावण ये और हमें मिल गए, गाड़ी से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये बिल्कुल हमारे गाड़ी के सामने। तो लग रहे हैं रावण, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि रावण बहुत सुंदर बनाए गए हैं और काफी बड़े लग रहे हैं, बहुत ही रंग बिरंगे। और इसका मैं दूर से शॉट लेते हैं, क्योंकि सामने ना टेंट लगा हुआ है तो ब्लू शॉट आएगा, तो उसमें फटाफट यहीं से ले लिया हुआ है। तो प्रिय मुझे ये तो क्लियर करते हैं कि 100 पुतले देखने हैं, 100 रावण देखने हैं यार। पहले पहले 100 पुतले दिखा देता हूँ, अगर 100 पुतले पूरे देंगे फिर उसके बाद रावण रावण वाला दिखाऊंगा, ठीक है? चलेगा इतना, चल तेरा भाई चलाओ। तीन पुतले आप लोग मेरे सामने और देख रहे हो, प्रिया बैठी है गाड़ी के अंदर कुछ कुछ खाती हुई। ये देखिए 3 पुतले और काफी सुंदर लग रहे हैं, और रावण थोड़ा थोड़ा सा महंगा सा लग रहा है यार मेरे को। आप प्यार जो करके दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होता देखो इसकी आँख, देखो महंगा रावण। तो काफी पुतले भी काफी सुंदर और शानदार लग रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं। आइए और कहीं और जाता रावण, तो चले लेट्स गो। तो सामने आप देखिए 3 पुतले और दिख रहे हैं, और काफी सुंदर लग रहे हैं यार। यहाँ का रावण थोड़ा सा लग रहा है जहरी रावण, जहरी रावण दिख रहा है, जहरी रावण। 3 पुतले सबसे सुंदर पुतले मुझे रावण के यही लगे। क्या मेरे पीछे आपने देखा जो जॉय का सबसे बेस्ट लगे अभी तक के रावण, वो देखे आपने, अभी इनके पैर भी नहीं लगे। एंड वैसे देखा जाए तो रात को जो रामलीला में चमक होती है, जो लाइटनिंग होती है ना, अभी देख के तो इतनी अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे खंडर सा पड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग सामान भाग गए हैं। और रात को जो लाइटनिंग की वजह से जो मज़े आता है ना देख के रामलीला को, वाह, और ऊपर से लोग इतने सारे होते हैं, वो तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिलहाल देखो तो अभी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, जॉय और हनु मेरा वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो। तो ये प्लानिंग चल रही है इस बंदे की कि मैं कैसे इस चैलेंज को जीत जाऊं। यार देखो, इसने मुझे कहा था रावण के पुतले, मैं रावण के पुतले देखो लगे हुए गिल्ले कितने हैं, चेक कर ले। चालू बंदा, अब की क्या बोलूं मैं, मतलब चैलेंज जीतने के लिए मतलब कोई भी हद तक। भाई आप बताओ ये रावण के पुतले हैं
हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ रावण के पुतले हैं ये, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पुतले दो तैयार हो रहे, 13, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब ऐसे तो ये मेरे को फिर से वही उसी मार्केट में लेता है तो हमें रावण बनता है, दिस इज नॉट डन। मेरे को चाहिए बड़े वाले रावण और जो खड़े हो रामलीला के अंदर। भी तो जा रहे रावण देख पैक होके जा रहा, देख बाइक पे सामने एक रावण जा रहा पैक होके, कोई अपने घर के लिए लेके जा रहा होगा और ये मेरी पिटाई चल रही है। तो चलिए ये जो ये बड़े पुतले रावण के दिखाए जाएंगे, मतलब बड़े दिखाएंगे, बड़े टेंशन नहीं लेना। ये और ये मेरे सामने पीतमपुरा की रामलीला देखिए, ये 3 पुतले और कमेंट में बताइएगा आपको सबसे अच्छा पुतला कौन सा लगा, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं अभी, आई थिंक वो ब्लू वाला कुंभकर्ण है। तो ये रे 3 रावण और नेताजी सुभाष प्रेस के, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं यार, इसे तो सर भी है, 10 सर भी है। यहाँ पे झूले और देखिए 10 सर है इसके रावण के, कैसा लग रहा है रावण कमेंट करके, जिसके साइड में को लगता है जिसके रावण के साइड में जो डंडे डंडे लग रहे हैं लग रहा है वो अनार है, जब जलेगा तो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो हमें एक और रावण मिल गया, वो भी किसी पार्क में नहीं, किसी बड़ी जगह पे नहीं, ये है मोती नगर के रावण है, ये सड़क के बीचों बीच खड़ा है ये, वही ये देखो, ये इसकी बैक साइड और आप इसे दिखाते हैं फ्रंट, अब आगे की साइड दिखाते हैं, बीचों बीच खड़ा कर रखा है सर, पकड़ रखा हाथ से अभी टांग ही है, अभी प्रिया दिखाएगी बाहर से आपको, दिखाओ प्रिया बाहर से, रावणों का भंडारा मिल जाएगा, इतने रावण मिल जाएंगे यहाँ पे, लोग खुद बनाते हैं रावण, और देखो वहां से सुंदर रावण यहाँ लग रहे हैं आपको, देखो आप सामने खुद देखो, ये वाला तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पास से ना मतलब रियल में रावण लग रहा है, कलाकारी बढ़िया कर रही है ना, ड्रेस भी अच्छी बन रही है, हिल रहा है रावण, हिल रहा है, हाँ ये देख ना हिल रहा है, झूल रहा, देख झूल नहीं रहा, उसकी तलवार हिल रही है हवा की वजह से, झूल रहा भाई, ये देखो भाई वाह भाई वाह, एक और इसके पीछे ही, वाह भाई वाह, एक और इसके पीछे ही, ये स्कर्ट के अंदर देखो आप, यहाँ पे हर किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई हुई है, ये देखो वाह भाई वाह, तो ये रावण काउंट कर लेते, तैयार ही हो रहा है बन के, तो खराब हो गया, एक नहीं यहाँ पे 3-3 है एक साथ, 1-2 और ये रहा 3, ये ऊपर देखो वाह भाई वाह, एक आगे भी हो देख, मेरे ख्याल से रावण की गली हो गई, ये देखो उड़ता हुआ रावण, चड्डी वाला रावण है, चड्डी वाला रावण या सुपर रावण, और उसके पीछे भी खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बढ़िया जगह आ गया, धोती वाला रावण है, धोती वाला देख, धोती रावण की एलईडी लाइट लगी है, रात को लाइटें मारे गए बैट, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैट भी मिली है, कमर बांध दी इसने, कोई हिसाब नहीं था, ओ भाई कितना बड़ा यार है, तो गुलाबी रावण भाई, मुझे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे लगे, मतलब कि एक ही गली में 3-3, 4-4 रावण सबने मिलके लगाया, मतलब कितना मिलजुल के इन्होंने काम किया, खुद बनाया, तो सही में रोहिणी खस्सी एरिया लग रहा है मुझे तो, पर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब ये एरिया है मेरे ख्याल से मोती नगर है, नियर मिलन सिनेमा, मिलन सिनेमा, ये देख सामने दो और है, सामने दो और है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो भाई इसके पीछे की स्कर्ट गायब हो गई है बेचारा, अभी भी लगाएंगे बम भरे हुए हैं इसमें वही बच्चों ने, ये देखो सामने, ये देखो भाई स्पार्कलिंग वाला रावण हिल रहा है, तो अब हम देखेंगे नंगा रावण, उसके पास कपड़े नहीं है बेचारे के पास, बस बनाया पड़े भाई, ये क्रिएटिविटी भाई लोगों की अपने घर की है, ये देखो भाई जो इसकी दाढ़ी थी जो अभी रावण ने था, बिल्कुल बच्चों ने जैसे कॉटन को कलर करते हैं कॉटन से बना रखे थे, कॉटन कैंडी वाली दाढ़ी थी भाई, थोप दी गई है गाड़ी, सकता मूर्ति बात के लोगों को रावण से बहुत प्रेम है, हर गली में रावण लगा रखा है, इतना प्रेम है इनको रावण से, मतलब मुझे लगता है इनके कोई बिछड़ी बिछड़ा करो बिछड़ी बिछड़ा कोई भाई है इनका, इतने रावण लगाते हैं लोग भाई, हर एक गली में रावण लगा रहे, टैगोर काटे जाएंगे
तो वहाँ पे और ज्यादा रावण होते हैं, छोटे छोटे भी रावण अभी आप देखते हो और आपको भी दिखाते हैं रावण। तो अभी तक अपनी फटाफट लाइक कर दो, और अभी तक आपको रावण अच्छे लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एक और हमें रावण मिल जाए दली को, एक नहीं यहाँ पे बिछा पड़ा है। तो अभी जो हमारे सामने वो आपको दिखाएंगे भाई, तीन तीन है भाई, ये देखो भाई टैटू बना हुआ है, भाई ने टैटू बनवा रखा छाती पे, भाई साहब फंकी रावण, ये देखो सामने तीन तीन रावण खड़े हैं। तो एक दो तीन, इतने मस्त लग रहा है ये वाला छाती टैटू वाला, बाज बना रखा भाई ने बाज। देखो भाई सामने हल्क रावण पड़ा हुआ है, इसकी ये धोती पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, धोती खड़ा करेंगे इसको, नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, अच्छा लग रहा है। अभी ये खड़ा हो जाता तो और अच्छा लगता, हम इसको देख पाते कि लोगों ने इसमें क्या क्रिएटिविटी की है, बट नहीं खड़ा तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे देख लो। ये देखो भाई भाई वाह, अभी तो इसपे काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह अभी भी, सारे मुंह फट गया हल्का सा, पर मुंह कितना बड़ा है यार, देख रहा बम लगे हुए हैं, देखो कान पे लगे हुए हैं, नाजी 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 देखो रावण की नीग्रो रावण है, मोटे मोटे पाइप लग रहे हैं बालों में, एसी की अंदर, ये देखो घुस के पटाखे लग रहे हैं इसके अंदर, डोला देखो डोला, एक येरा रावण जो नीचे लेटा हुआ और एक उसके पीछे है, गली के अंदर अंदर ही लोगों ने इतने रावण बना रखे हैं, मतलब अगर इन्होंने रॉकेट लगा दिया ना इसके अंदर, तो यहाँ पे ना एक दूसरों के घरों में जाके ना रॉकेट फटेंगे, लेकिन ये सामने भी रावण है। तो अब एक और रावण हमें मिल गया जिसकी लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे इसको खड़ा करना, अभी तो मेरे ख्याल से बम वगैरह लग रहे हैं इसके, तो देखो बच्चे ही हैं सारे, जो बच्चे मिल के सारा काम कर रहे हैं, बड़े भी हैं सब, ये देखो भाई एक रावण हमें और मिल गया जिसको अभी बस इन प्रोसेसर, ये हाँ क्रेन इसको खड़ा कर रही है, और एक ये लाल वाला जो खड़ा होगा अभी, ठीक है, और एक ये रहा, बड़ी देर बाद हमें एक रावण दिखा, इतना ढूंढने के बाद हमें एक रावण मिला, और ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच बना रखा है रोड के, ये रहा वो रावण जो फ्लाईओवर के बीच में है, मुंह उसका टेढ़ा है उसका, ठीक है, बच्चा भी कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ उसको सीधा करने की। एक रावण ये रहा जो भी बस लगने के लिए तैयार है, बस खड़े करने के लिए इसको भी आने वाली है, एक बड़ी सी क्रेन थी। तीन रावण और हमें मिल गए, भाई सब काला काला मोटा रावण देख रहे, छाती देख भाई, देख छाती देख, ये लग रहे सही ताकत वाला दिख रहा होगा, दसनन रावण दिख रहा होगा, दसनन रावण, रावण नंबर हो गया 49। अब हमारी एक और दिखाना है और हमारी हो जाएगी हाफ सेंचुरी, ये देखो नूर भी बाहर निकल निकल के करी, और ये देखो भाई सामने 91 रावण हो गया, उसके पीछे भी 92, उसके पीछे भी 53, क्या मैं सही काउंटिंग कर रही हूँ, 91 तो ये 51, ओ यस, ये है 52, घाघरा बिछा पड़ा है, गिर गया, ध्वस्त ग्रस्त हो गया, तो उसका मुकुट है और ये रहा रावण, तैयारी हो रही है इसकी भी, इसके पंचर लगाए रावण की ढूंढ पे, पीले रंग का पंचर फट गया था इसका, एक गिरा रावण कौन सा है 53,
मुझे देखो रावण की, बस एक नंबर। अभी आगे और भी रावण है, कुछ चलिए चलते हैं। अंजी रावण देख रहा तो ये हमारा 56 रावण। क्या सुंदर रावण है भाई, कलाकृति है उस रावण की भाई। क्यों भाई कैसा लग रहा है? मस्त, एक नंबर रावण, एक नंबर। बताओ रावण क्या, रावण एक बोला ना, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है ना। ये कौन सा है? एट दो है भाई, तीन है के हाथ में भी कुछ है, तीन है 60 नीचे में एक बिल्लू रावण। ये देखो भाई, तो अब इसी के साथ छोटे से बिल्लू रावण के साथ हमारे रावण हो गए हैं पूरे 60 है, 60 है भाई। 40 रह गए, 40 रह गए, यस 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 यस। अभी भी हमारे 40 रावण रह गए हैं, मतलब कर दिखाऊंगा मैं। तो ये हो गया हमारा 61। अब लग रहा मुझे हो जाएंगे। तो भाई फिर से रावण के ना भंडारे लगने चालू हो गए हमारे भाई। ये रहे रावण, ये रहे 62, 63, ये ऊपर दिखा सामने वाला 64, 64 और आगे भी है अभी। ये भाई बड़ा सुंदर, ये पूरे मेरे गदा ले रखा है रावण ने। वाह भाई वाह, मस्त इसकी डेकोरेशन कर रखी है। वाओ वाओ, हनूर कैसा है ये? वाओ वाओ, कैसा है? वाओ, तो ये एंजॉय कर रही है रावण को देख के। 64 आ रही है, हो गया हमारा 65, 65 वाला रावण आगे भी लगा हुआ है 66। तो ये देखो भाई 66 67 68 69, यहाँ पे लिखा है भूत काल बोले जब बांध, पता नहीं क्या लिखा हुआ, व्हाट एवर इट इज रिटन। और ये हो गया हमारा 70 71, और ये सामने बना था 72। आई वाज राइट कि यहीं पे सो जाएंगे, 73 तक हम पहुंच गए हैं। तो भाई यहीं पे मुझे लग रहा था जॉय का टारगेट पूरा हो गया, तो मैंने इसी चक्कर में जॉय को बुला लिया है और हम साथ में काउंट करेंगे। तो 74 तक हो गए थे, अब आगे काउंट करते हैं। ये काउंट हो चुका है, इसके लिए टापना पड़ेगा हमें। क्या बोल रहे हो? रावण के हाथ में रावण, सही कह रहे हो, रावण के हाथ में रावण। तो 75 76 77 78, एक ये तैयार हो रहा है 80। Wow. 81, 82, 83, 84, 85, 86, यहाँ तक हम 86 कवर कर चुके हैं और आगे भी खड़े हैं। तो बड़ी मेहनत से इन लोगों ने लगाया, लाइन में रावण लगाए हुए हैं। बहुत टाइट है, तो यही पूरा कर दूंगा सारा मामला मैं। तो ये सामने ही आप एक और देख पा रहे हो, दैट इज 87। दिखा दे क्या कह रहे हैं, बोलो जय बाबा की। क्रिएटिविटी लेवल एट इट पीक 87। वाओ, यहाँ पे मतलब लोगों ने यहाँ पे भी बहुत मेहनत की हुई है, सबने अपनी क्रिएटिविटी दिखा रखी है। 87 एक ये लेटा हुआ है, 88 उसी के पीछे, ये जो है 89, एक ये रहा भाई। ये भी है रावण ना, तो इसी के साथ हमारे 90 हो चुके हैं। अब जो सामने रावण आ रहा, बड़ा ही हैंडसम बाहुबली रावण है सामने, अब आपके आएगा बाहुबली रावण। आप देखो सामने बाहुबली रावण, बाय कर दे रावण को, बाय कर दे। एक और खड़ा मिला है हमें रावण, छोटा सा है बट ठीक है, इसको भी हम काउंट करेंगे। तुम्हारा 92 हो गए हैं, चलो अब 8 रह गए हैं, 8 रह गए, मेरी 8 दिखाता हूँ, आ जाओ। ये कौन है?
हनूर। ये है रावण नंबर 93 और रावण नंबर 94। सुंदर लग रहे हैं ना? अब काउंट जल्दी हो रहे हैं। चलो आगे चलेंगे। तो ये है सामने रावण नंबर 95 छोटू और रावण नंबर बड़ा 96 रावण। सुंदर लग रहा है रावण वाला भी, काफी बढ़िया लग रहा है रावण। एक ये रहा रावण जो बिल्कुल पेड़ों के बीच में छुप के बैठा हुआ है। बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है ये रावण। वाह भाई इसकी घनी दाढ़ी है बिल्कुल आपकी तरह। ये तो भाई कपड़े पहना रखे ना, ये तो लगता है मुझे पैंट शर्ट में रावण। नीचे भी है ये छोटा रावण। रावण नंबर 98 है भाई साहब, 98। ओ भाई ये रावण देखो मस्त, इसके आसपास भूत भूत लग रहे हैं, भूत लग रहे हैं। 98 रावण। ओए ओए यस, ये तो अलग ही रावण है भाई। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। इसकी थीम बड़ी मस्त है, साथ में भूत वगैरह ये सब कुछ खड़े कर रखे हैं। वाह भाई वाह, मस्त एक नंबर। 98 हो गए भाई, बस दो की कमी रह। रावण नंबर 99 ये है सामने। लाइटें जग रही है छाती में। एक हो रहा उसकी मुंडी टूट के वहां दिखाते हैं आपको। सोमा रावण हम वो दिखाएंगे जिसकी मुंडी टूट गई है। कितना सुंदर लग रहा है रावण भाई, है ना? यहाँ इसकी मूछे बहुत चमकीली है, चमकदार इसकी जो है इन्होंने मूछे बना रखी है बहुत मस्त। तो अब हमारा जो 100वां रावण होगा वो मुंडी टूटा सर कटा रावण जो स्त्री थी हमारी, जो स्त्री मूवी आई थी हमारी नहीं, जो भी स्त्री मूवी आई थी तो बहुत सुपर हिट गई थी, तो उसमें सर कटा जो था वो भी बहुत सुपर हिट था। तो भी हमारा भी जो 100वां रावण है वो भी सुपर हिट होना चाहिए, सर कटा रावण। तो चलिए दिखाते आपको सर कटा रावण। सामने क्या देखो, सर कटा रावण बेचारी की जो मुंडी है वो फट गई है। बड़े खेत के साथ हमें ये सूचित करना कर रहा है, आप लोगों को सूचित कर रहे हैं। ये देखो हेलो 101। हेलो नीचे दो भी है, 101 और दो, 101 2 3 सामने सामने कौन है? 104। ये देखो भाई छोटा छोटो पिटके रावण है ये हमारे पास, बिल्कुल हरनूर के साइज के रावण है। 104 दिखा दो। ये लो भाई 104, मैंने कहा था 100 दिखाऊंगा 100। तो इसी के साथ आपका चैलेंज आपने पूरा कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये 3 रावण हमें और मिल गए हैं। रावण पंजाबी बाग के पंजाबी रावण, पंजाबी गबरू जवान रावण। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना कैसा लगे आपको ये 3 रावण। आई थिंक काफी अच्छे बने हुए हैं। और अब ये था ब्लॉग का एंड। हम लोगों ने आपको जो हम लोगों ने नहीं, मैंने प्रिया को 100 पुतले दिखाने का वादा किया था, मैंने 100 पुतले दिखा दिए हैं। और आज का टाइम खत्म होता है, कैसे लगी आपको वीडियो भाई? बहुत मस्त है इस वीडियो के लिए, तो फटाफट लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हकीकत में बोल रहा हूँ आज बहुत मेहनत लगी है भाई। तो प्लीज़, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को हैप्पी दशहरा, और दशहरा को अच्छे से इन्जॉय कीजिए। आज का त्यौहार जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो प्लीज आप लोग सब लोग इसको एंजॉय कीजिए। आप सभी के परिवार वालों को भी हैप्पी दशहरा। बाय 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 बाय।